सोलन के उपायुक्त कार्यालय में दून क्षेत्र की ग्राम पंचायत धकरियान के ग्राम झरावर के ग्रामवासियों ने आज ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत के अड़ियल रवैये से उन्हें पेश आ रही शमशान घाट की परेशानियों के बारे में उपायुक्त सोलन विनोद कुमार को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को उन्होंने गांव के विकास के लिए चुना था, लेकिन ये प्रतिनिधि विकास करने की बजाय मनमानी पर उतर आए हैं और उनके रास्ते में ही जबरदस्ती नियमों को ताक पर रखकर शमशान घाट बना दिया है। इस मौके पर गांव से आए प्रतिनिधि मंडल ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उनके गांव की मुख्य सड़क पर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के ग्राम पंचायत जबरन शमशान घाट बना दिया है। उन्होंने कहा कि जहां शमशान घाट बनाया गया है उस सड़क से करीबन 6 गांव के लोग गुजरते हैं, जो आज ग्राम पंचायत की मनमानी से सभी दुखी हैं और दहशत में हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का सड़क से निकलना दुश्वार हो चुका है, इसीलिए उन्होंने उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा है और वहां से शमशान घाट शिफ्ट करने का आग्रह किया है। डीसी साहब के पास मिलने आए हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत हरियाणा में एक अवैध निर्माण जो है शमशान घाट का किया गया है, जो कि ग्राम पंचायत ने अपनी मनमानी से किया है और जिससे कि आस पड़ोस के गांव के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। और थोड़ी दूर पर जो है वहाँ हमारा बस स्टॉपेज है, वहाँ से जब महिलाएँ आती हैं, छोटे बच्चे आते हैं, तो उनको आने जाने में बहुत भय लगता है, इसलिए इस स्थान को जो है यहाँ से हटाया जाए और किसी अन्य स्थान पर उसको बनाया जाए। एक्चुअली रास्ते में शमशान घाट बना दिया हम उसके बारे में कि उसको वहाँ से हटाया जाए और लोगों की सहमति के अनुसार उसको किसी अलग स्थान पे बनाया जाए जो रास्ते से थोड़ा दूर हो, क्योंकि बच्चों को आने जाने में वहाँ से दिक्कत होती है, हमने भी डेली अप डाउन करना होता है। हमने डीसी साहब के पास शमशान घाट के एक अवैध निर्माण के प्रति इसके प्रति रोष व्यक्त किया है, क्योंकि बसेस जो जाती है हमारे उस रोड के साथ से आते जाते हैं। हमारे गाँव सुआ, गांव हाड़ा मेहता, गांव धार मेहता, गांव धार कनेता और गांव क्यारटू, गांव झराबड़ बाग के सभी लोग वहां से निकलते हैं, जिससे बहुत ही हमारा रोष प्रकट है।